गर्व से बता रहे हैं अखबार को सुरेंद्र जैन कि लाना नहीं लाना हमारी जिम्मेदारी है, प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है, प्रशासन की नहीं जिम्मेदारी है तो विश्व हिंदू परिषद ये देश चलाएगा। जिस गृह मंत्री को कई महीने की साजिश का पता ही नहीं है, उन्हें हिंसा के कुछ ही घंटों में पता चल गया कि मोनू मानेसर का कोई वास्ता नहीं है। नमस्कार। हरियाणा के कई जिले इस समय हिंसा की आग में सुलग रहे हैं। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तीन सवाल वीडियो के शुरुआत में आप सुनिए, तीन सवाल। ये तीन सवाल हम चाहेंगे कि इन सवालों के जवाब इसी वीडियो में आपको मिल भी जाए। पहला सवाल कि ये जो साजिश की बात हो रही है तो क्या ये साजिश थी? अगर साजिश थी तो ये साजिश किसने की होगी? दूसरा सवाल, मोनू मानेसर की क्या भूमिका थी? क्या मोनू मानेसर के पीछे सत्ताधारी लोग खड़े हैं जिसकी वजह से हालात बेकाबू हो गए? और तीसरा सवाल कि मोनू मानेसर और साजिश, ये दोनों एंगल सामने रहते हुए भी हिंसा हुई तो इसका जिम्मेदार कौन है, जवाबदेह कौन है, ये जवाबदेही किसकी है? ये तीन सवाल। मैं शुरुआत करता हूं कुछ तथ्यों से और ये तथ्य ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले एक वीडियो मोनू मानेसर ने जारी किया। पहले मैं बता दूं मोनू मानेसर है कौन, तब आप क्लियर होंगे। मोनू मानेसर का नाम है मोहित, ये गुड़गांव में मानेसर है, वहां का रहने वाला है। 8 साल पहले बजरंग दल में शामिल हुआ, गोरक्षा करने लगा और अब वो गोरक्षा दल का प्रांत प्रमुख है बजरंग दल में। इसकी तरक्की बहुत तेज हुई। अब इस तरक्की में लोग ये भी बताते हैं और फोटोग्राफ्स भी आते हैं कि ये तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं भाजपा के, उन नेताओं से इसकी संगत है, उनके साथ ये बकायदा जो कहते हैं ना वो संगत करना, वो संगत करता रहता है, मिलता जुलता रहता है, उठता बैठता रहता है और डायरेक्शंस लेता रहता है मोनू मानेसर। इसका YouTube चैनल भी है, YouTube चैनल पे भी गोरक्षा को लेकर के वीडियोज डालता है। कई जिलों में इसने नेटवर्क बना रखा है, अपना मुखबिरों का नेटवर्क है, बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। कहीं भी गोरक्षा को लेकर के और गो तस्करी को लेकर खबर आती है वहाँ पहुँचता है। यहाँ तक कि एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, देश के बड़े चैनल ने किया था, उस स्टिंग ऑपरेशन में भी आया था कि हरियाणा की पुलिस और पुलिस के अधिकारी, दरोगा, SI सब बड़े परेशान हैं इन गोरक्षकों से, वो दबाव डालते हैं और यहाँ तक कि वसूली भी करते हैं। ठीक है, ये सब आप सर्च कर लीजिएगा, अगर कोई तथ्य गलत होगा तो आप तत्काल करेक्ट करिएगा। अब सुनिए, यही मोनू मानेसर, इसने कहा कि ब्रजमंडल जलाभिषेक, जो अभिषेक यात्रा है, इसमें मैं आ रहा हूँ और सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचिए आप लोग इस बार। सवालों का जवाब आपको एक एक तथ्य से मिलेगा। अब मैं आपको एक तथ्य और पहले बताऊं, ये जो यात्रा है ये हर जगह आप देख रहे होंगे, यात्रा है ब्रजमंडल जलाभिषेक अभिषेक यात्रा, लग रहा होगा सदियों से चला आ रहा है। इसमें पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य यात्रा शुरू किया होगा, फिर अशोक ने भी हो सकता है यात्रा में भाग लिया हो, क्या क्या चल रही होंगी चीज़ें। लेकिन आपको बता दूं ये यात्रा 3 साल पहले शुरू हुई है, 3 साल से यात्रा हो रही है और इस यात्रा को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इन्होंने ही शुरू किया, ये कह के कि मेवात नू इन इलाकों में जो प्राचीन मंदिर हैं, महाभारत कालीन 3 स्वयंभू शिवलिंग हैं, उनका रखरखाव नहीं हो रहा है, वो नष्ट हो रहे हैं, इसलिए उनके रखरखाव के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए, पुनरोद्धार के लिए जरूरत है कि यात्रा निकाली जाए। हालांकि मुझे लगता है जीर्णोद्धार पुनरोद्धार के लिए पैसा होता, सरकार मदद करती, सरकार उन धार्मिक स्थलों को अपने कस्टडी में लेती, अपने अधीन कर लेती और वहाँ पर काम करवाती, जीर्णोद्धार करवाती। लेकिन चलिए, यात्रा शुरू हुई 3 साल से। ये यात्रा नूह और मेवात की जो जनसंख्या की स्थिति है वो बता दूँ, करीब करीब 80% मुस्लिम आबादी है, 20% हिंदू आबादी। लेकिन 3 साल से यात्रा, कभी इस यात्रा में कोई विघ्न, कोई खलल कुछ नहीं पड़ा था, ठीक ठाक चल रही थी, अच्छे से चल रही थी। इस बार एंट्री हुई मोनू मानेसर की। अब मोनू मानेसर की कहानी जो बची थी वो भी सुन लीजिए। ये मोनू मानेसर
दो पशु तस्करों जुनैद और नासिर उनकी हत्या का आरोपी है। इसमें बाकी जो सहारोपी हैं वो सारे गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मोनू मानेसर इसके समर्थन में हरियाणा में हिंदू महासभा और अलग अलग हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन और सभाएं भी कर ली कि मोनू मानेसर को कुछ छू नहीं सकते हो, कुछ कर दिया तो ये वो, और राजस्थान पुलिस ढूंढ रही है, हरियाणा में मोनू मानेसर बैठ करके वीडियो रिलीज कर रहा है। तो इस यात्रा के पहले मोनू मानेसर ने फिर वीडियो रिलीज किया और कहा कि मैं इस बार यात्रा में आ रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल हूँ। वहीं मेवात में जुनैद नासिर इनकी हत्या हुई थी, मोनू मानेसर ने भड़का दिया, जवाबी रिएक्शन भी आया, कम उधर भी नहीं है, उनका रिएक्शन आया, इस बार आ करके दिखाओ, अगर आ गए तो ठीक, नहीं है ये कर देंगे वो कर देंगे। ये जानकारी पुलिस के पास पहुंच गई थी। अब हम चलते हैं उन सवालों की तरफ। पुलिस के पास पहुंच गई थी, हम आपको बता दें पुलिस जो है जुनैद नासिर हत्याकांड का आरोपी, देखिए मैं अखबार, मैं अपने हवाले से कुछ नहीं बता रहा हूँ, अखबार एक एक यहीं से मैंने निकाला है, जानकारियों को इकट्ठा किया है, नहीं तो आपको गोदी मीडिया में क्या दिख रहा होगा वो आप देख लीजिए, फला का वो कब बुलडोजर आएगा, योगी जी वाला बुलडोजर आएगा, योगी जी तो जिसने दंगा रोका बरेली में उसको हटा दिए, उसी बुलडोजर चला दिए, तो बात ना करिए तथ्य समझिए। जुनैद नासिर हत्याकांड का आरोपी एवं बजरंग दल प्रांत गोरक्षक हरियाणा प्रमुख मोनू मानेसर ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर 31 जुलाई को नूह में निकलने वाली मेवात ब्रजमंडल यात्रा में शामिल होने का ऐलान किया है, जिससे मेवात में हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया पर विरोध के साथ साथ मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की मांग की गई है। वहीं पुलिस विभाग भी हरकत में आ गया, सुनिएगा, पुलिस विभाग भी हरकत में आ गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उषा कुंडू ने कहा कि मोनू मानेसर मेवात नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा कि मेवात के भाईचारे को किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दिया जाएगा। किसने कहा ये? अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उषा कुंडू ने कहा, उन्होंने कहा कि 31 जुलाई को मेवात ब्रजमंडल यात्रा निकाली जा रही है, यात्रा के दौरान डीजे बजाने और कृपाल रखने पर पाबंदी लगाई गई है, ये उषा कुंडू ने कहा। लेकिन ऊपर और बड़े बड़े दिग्गज हैं। अब सुरेंद्र जैन हैं, आपने टीवी पे भी देखा होगा, बुलाया जाता है इनको ऐसे ही मसले में चिंगारी के लिए। इन्होंने क्या कहा? पुलिस ने कहा कि शामिल नहीं होगा, होने नहीं दिया जाएगा, सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। अब आगे सुन लीजिए ध्यान से, मोनू मानेसर की यात्रा में शामिल होने की बात पर सुरेंद्र जैन ने, ये विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन, बहुत बड़े नेता हैं विश्व हिंदू परिषद के, सुरेंद्र जैन ने कहा कि मोनू मानेसर को जिला प्रशासन क्या कहकर रोक सकता है, ऐसा कौन सा केस उसके ऊपर चल रहा है, यदि वहाँ वह यहाँ पर आएगा तो ताल ठोक कर आएगा, न उसे प्रशासन रोक सकता है, न यहाँ की जनता उसे आने से रोक सकती है। उन्होंने ये भी कहा यहाँ पर लाना है या नहीं लाना इसकी जिम्मेदारी हमारी है, इसमें प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी सुरेंद्र जैन का प्रशासन पैरेलल प्रशासन चलता है, समानांतर, सुरेंद्र जैन यानी विश्व हिंदू परिषद। इस कथ्य और तथ्य पर सवाल हो तो बताएं। सुरेंद्र जैन कह रहे हैं कि उसे यहाँ लाना है या नहीं लाना है इसकी जिम्मेदारी हमारी है, प्रशासन की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी सुरेंद्र जैन ने छुपा रखा है, तो पहले ही सुरेंद्र जैन को उठाइए, अब मोनू मानेसर को पता लगाइए जो वांटेड है, वीडियोज बना करके जहर घोलने का काम कर रहा है, चिंगारी फेंक रहा है। ये गर्व से बता रहे हैं अखबार को सुरेंद्र जैन कि लाना नहीं लाना हमारी जिम्मेदारी है, प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है? प्रशासन की नहीं जिम्मेदारी है तो विश्व हिंदू परिषद ये देश चलाएगा, बजरंग दल देश चलाएगा, दे दीजिए भैया, फिर हटाइए पुलिस को, पुलिस वो वहां पर जो जान गई है होमगार्ड की गई है, खड़ा करिए उस होमगार्ड की जगह सुरेंद्र जैन को, खड़ा कर दीजिए सुरेंद्र जैन को,
वहां पे नहीं खड़े होंगे, ये कमरे में बंद करके, बंद कुंडी चढ़ा करके, सिटकी लगा करके बयान देंगे और लोगों की जान की आफत पैदा करेंगे। प्रशासन कह रहा है कि नहीं आने देंगे, ये कह रहे हैं आएगा ताल ठोक के आएगा, न प्रशासन रोक सकता है और न यहाँ की जनता उसे रोक सकती है। चुनौती कौन दे रहा है भैया? अनिल विज, ध्यान से सुन लीजिए, गृहमंत्री हरियाणा, बयान बहादुर आप भी बहुत बड़े हैं, बयान लगातार दे रहे हैं, सुनिए। ये अखबार है, अखबार ने छापा है कि न जनता रोक सकती है न प्रशासन, यानी आप तो कथित रूप से खाली गृहमंत्री हैं हरियाणा के विज साहब, हरियाणा की पूरी पावर तो सुरेंद्र जैन के मुट्ठी में कैद है, वो तय करेगा कौन किसे आना है, कहाँ किसे जाना है, ठीक। अब ये आपने सुन लिया, अब उसके बाद सुनिए, एक यूट्यूब चैनल को पंजाब केसरी हरियाणा को इंटरव्यू दिया हिंसा के बाद मुस्कुराते हंसते हुए, स्क्रीन पर फोटो भी दिखाऊंगा इस सब का। नू हिंसा की सुरेंद्र जैन ने बताई आंखों देखी कहानी, इसके बाद तो तुरंत मीडिया सक्रिय होती है, आंखों देखी कानों सुनी, लेकिन पत्रकारिता में सच दिखाने कोई मतलब नहीं इनसे। बोले कई महीनों से चल रही थी हमले की तैयारी, सुरेंद्र जैन को यह भी पता था कई महीने से चल रही है तैयारी, दूसरी तरफ कह रहे थे आएगा कौन रोक पाएगा, कौन कर रहा था? अब आप तय करिए, जवाब मैं नहीं दूंगा, मैं तथ्य रख रहा हूँ, कौन कर रहा था तैयारी, तय करिए आप कौन कर रहा था तैयारी, पिछले कई महीनों से चल रही थी तैयारी, ये सुरेंद्र जैन को पता थी, ठीक। अब एक बात और, अनिल विज का भी बयान है, अनिल विज ने भी कहा है कि ये काफ़ी समय से इसकी तैयारी थी, बड़ी साजिश थी। तो विज साहब, ये साजिश कई महीने से चल रही थी, आपकी LIU फेल, आप फेल, अगर कई महीने से साजिश आपके प्रदेश में चल रही थी और आपके पास इनपुट्स नहीं थे तो आपकी नाकामी है, आप कुर्सी पे क्यों बैठे हो, कुर्सी ने पकड़ तो रखा नहीं है आपको, क्यों बैठे हो? और अगर आपको अब तक नहीं जानकारी हुई तो आप सुरेंद्र जैन को तत्काल बुलवाइए और सुरेंद्र जैन से पूछिए, क्योंकि सुरेंद्र जैन को पता है कि कई महीनों से तैयारी चल रही थी, सुरेंद्र जैन को बुलवाइए। अब और समझिए, और सवालों के जवाब, मोनू मानेसर को आप जान चुके हैं, मोनू मानेसर पे सुरेंद्र जैन ने बोला कि धार्मिक यात्रा में मोनू मानेसर के शामिल होने पर BHP नेता ने कहा उसे कौन रोक सकता है। ये जहर की कहानी बहुत लंबी है जानी, सच्चाई सुन लो, आज सब जगह चल रहा है अलग अलग कहानी, बता रहे हैं सब, कौन कह रहा है, कोई बुलडोजर लाओ योगी वाला, कोई बता रहा है भगवा को रोको, कोई कह रहा है पत्थरबाजों कब इलाज होगा, ए? अब हकीकत ये सुन लो, अब इसके बाद सुरेंद्र जैन ही नहीं, अब आते हैं असली जगह पे, गृहमंत्री के पास पहुंचते हैं। सुरेंद्र जैन तो कह रहे थे कौन रोक पाएगा, अनिल विज ने कहा है, ये भी देखिए, ये इंटरव्यू दिया है हिंदुस्तान को, अनिल विज ने मोनू मानेसर की वजह से हिंसा से इनकार किया। विज ने कहा मोनू मानेसर का हिंसा से कोई ताल्लुक नहीं। जिस गृह मंत्री को कई महीने की साजिश का पता ही नहीं है, चद्दर कंबल रजाई ओढ़ के सो रहे हैं, कुछ जानकारी नहीं है, उन्हें हिंसा के कुछ ही घंटों में पता चल गया कि मोनू मानेसर का कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है इस हिंसा से। आप लोग को शर्म हया है कि नहीं है कि यकीन कर लिए कि इस देश के आदमी तर्क सवाल कर ही नहीं पाएंगे, जो आप कहेंगे उसी में हाँ मिलाएंगे और डफली बजाएंगे आप वाली। कई महीने से साजिश की तैयारी थी, हिंसा की साजिश चल रही थी, आपको उसकी खबर नहीं हुई, आप 31 तारीख को अखबार में छप रहा है कि मोनू मानेसर आने वाला है, हम सौहार्द नहीं बिगड़ने देंगे, उसकी तैयारी आपने नहीं की। आप आए होते मेवात में बैठ करके, सिक्योरिटी आप होम मिनिस्टर थे, हरियाणा इतना बड़ा प्रदेश भी नहीं है, आप बैठ करके क्यों नहीं ऑब्जर्व किए, बैठ के क्यों नहीं है जो है एक हाई लेवल कमेटी बना करके बैठते बड़े अधिकारियों के साथ, 4-6 एक्स्ट्रा IPS अधिकारियों को बुलाते वहां पर कि ये यात्रा है, पहले से ऐसी इनपुट्स मिल रहे हैं, मोनू मानेसर कह रहा है कि हम आएंगे और उधर दूसरे कम्युनिटी वाले कह रहे हैं तुम आओगे तो इस बार कुछ हो जाएगा, गड़बड़ ही होगा, खुला दोनों तरफ से खुली चेतावनियां दी जा रही हैं। और जो हमारे सगे वाले सुरेंद्र जैन है वो कह रहे हैं प्रशासन
रोक पाए तो रोक ले, प्रशासन कौन होता है रोकने वाला, सबसे बड़े हम हैं। तो आकर के अनिल विज बैठे होते मेवात में नूह में, चाल छे आईपीएस नए आईपीएस को लगाए होते, कंट्रोल होता, तो वो खबर नहीं थी, न एलआईयू ने बताया, न इनपुट था, कुछ नहीं था, बस इतना पता है कहीं महीने साजिश हो रही थी, कोई मास्टरमाइंड है, नाम भी अब क्या बोले छोड़िए, आप समझ लेंगे कौन मास्टरमाइंड है इस वीडियो की इन्हीं तथ्यों से। लेकिन हिंसा के कुछ ही घंटों बाद अनिल विज इस निष्कर्ष पहुंच गए, इतना जिसके पास इंटेलिजेंस फेल है, शून्य है, जिसे कोई खबर नहीं, उसी के बयान के मुताबिक ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगर अनिल विज ने कहा कि कई महीनों साजिश थी और अनिल विज को नहीं पता है, दैट मीन्स अनिल विज एज ए होम मिनिस्टर फेल, इंटेलिजेंस फेल, और वो अनिल विज जिसको कुछ नहीं खबर होती है, वो अनिल विज घंटों भर में कुछ ही घंटों में बता देते हैं मोनू मानेसर का कोई लेना देना नहीं है, भैया गलत डायरेक्शन में आप लोग जा रहे हैं, वो तो लेना देना उन्हीं का है, वो पत्थर जहां पे पत्थर थे, इशारा समझिए। हरियाणा में 3 दिन पहले, आपको याद दिलाता हूं, हरियाणा में 3 दिन पहले हैशटैग चला था, हैशटैग क्या था, क्षत्रिय बायकॉट बीजेपी, वो क्षत्रिय वो राजपूत वर्ग जो बीजेपी को इस सत्ता में लाने में सबसे मजबूत कड़ी रहा है, उसने ट्रेंड चलाया था और नंबर वन पे, देश में नंबर वन पे ट्रेंड किया था हैशटैग क्षत्रिय बायकॉट बीजेपी। जाट किसान सब भाजपा के खिलाफ है, जो बजरंग पुनिया और विघ्नेश फोगाट संगीता, ये जो पहलवानों का मसला चला हरियाणा में, भयानक नाराजगी है हरियाणा में, भाजपा अपने सबसे मतलब लोकप्रियता के पिछले 10 साल में सबसे निचले स्तर पे पायदान पर है। उन परिस्थितियों में ये चीजें हो रही हैं, किसको लाभ मिलेगा, इसका लाभ किसको मिलेगा, पोलराइजेशन होगा तो किसको लाभ मिलेगा, सवाल ये सोचिए आप। जान कीमती नहीं है, वोट कीमती है, वोट ईवीएम पे बटन कीमती है, इसलिए अभी भी कहता हूं मैं अमन चैन, हाथ जोड़ करके हमेशा कहता हूं हर वीडियो में, अमन चैन रखो, मत बन जाओ किसी के हाथ की कठपुतली और टूल आप लोग। एक और खबर है, एक और खबर है, कुछ श्रद्धालुओं को, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को, संख्या क्या थी नहीं पता, वो इनको चारों तरफ से घेर लिया गया था चारों तरफ से घेरा हुआ था, उस घेरेबंदी को तोड़ करके और पुलिस ने बड़े सुरक्षित तरीके से निकाला उन्हें, बधाई के पात्र है पुलिस, ममता सिंह को बधाई देना चाहिए। लेकिन कहीं खबर में नहीं है कि जो घेरे हुए थे उसमें से कितनी गिरफ्तारी हुई, अरे पुलिस थी ना, हम लोग थोड़े थे कि हाथ जोड़ करके छुड़ाने गए थे, अगर कोई घेरा हुआ था और पुलिस की पूरी फोर्स बटालियन गई वहां पे, तो छुड़ाने के बाद उनका भी तो हिसाब किताब होना चाहिए था, कितनी गिरफ्तारी वहां, कितने पकड़ के लाए, किसी किडनैपिंग होती है तो छुड़ाने के बाद खाली तो छुड़ा करके ले चले जाते हैं, किडनैपर का भी इलाज होता है कि नहीं होता है। इसलिए इन सवालों का जितना मैंने आपको बताया, एक एक तथ्य पढ़ के बताया है, अखबारों की रिपोर्टिंग बताई है, लेकिन ये रिपोर्टिंग सब कोने कोने में दब जाती है, चैनल का रिमोट होता है हाथ में, वो रिमोट दिखा कर चलाया जाता है, इलाज पत्थरबाजों का इलाज, भगवा के पर किसकी नज़र, कैसे होगा इलाज, बुलडोजर आएगा, योगी का फॉर्मूला लगाया जाएगा, ये छोटे कॉलम में कोने में छपी खबरें दब जाती हैं जिसमें सच होता है, इसीलिए उनको तलाश करके आप तक पहुँचाया है। फिलहाल इससे जुड़ी और जो भी अपडेट होगी वो भी मैं लेकर के आऊँगा, अभी फिलहाल इजाज़त दीजिए आप, नमस्कार।